प्रदेश के जहां रायबरेली में एक युवक को आपसी लेन देन में जबरन अगवा करने का मामला सामने आया है। अगवा करने वाले सीसीटीवी में युवक को बलपूर्वक ले जाते हुए भी देखे जा सकते हैं। ये घटना शहर कोतवाली थाना इलाके की बताई जाती है, जहां केंद्रा नगर में बासा रेस्टोरेंट में अजय वाजपेयी काम करते हैं। अजय के पिता उमेश चंद्र वाजपेयी के मुताबिक बीती रात करीब 8:30 बजे 3 बाइक सवार उन्हें अगवा कर ले गए। इस मामले में पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर अनहोनी की आशंका भी जताई है। हालांकि कोतवाली पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और उनके परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। विराट 24 न्यूज के लिए रायबरेली से श्रवण कुमार की रिपोर्ट। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम उमेश चंद वाजपेयी। क्या हुआ है? हुआ है कि हमारा लड़का जो है बासा होटल में काम कर रहा था, 3 लोग करीब 8:30 बजे जो है बाइक में बैठा कर जबरदस्ती उठा ले गए, जिनका नाम है शिव प्रकाश, मुन्ना त्रिवेदी, शिवन त्रिवेदी। हमें अनहोनी की शंका है कि हमारे लड़कों को हो सकता है कि मार डाला हो या कहीं बहा दिया हो। इसकी शिकायत किसी से की आपने? इसकी शिकायत हमने जो है कोतवाली रायबरेली में की है। तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने जांच पड़ताल अभी आज तक अब का पता नहीं लगा हमको।